अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने सोने चंद वर्गे व्यूवर्स, आपका किचन में खुशामदीद। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके लिए बीफ कोफ्ता की रेसिपी लाई हूँ, जो खाने में बहुत ही लजीज बनते हैं। मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके कोफ्ते बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। बीफ कोफ्ता बनाने के लिए 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 कप ऑयल, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून खशखाश, 2 टेबलस्पून बादाम, 1/2 कप भुने हुए चने, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सूर्ख मिर्च, 1 टेबलस्पून देसी घी चाहिए। और उसके अलावा मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, जिसको मैंने कीमा करवा लिया, उसका पानी खुश कर दिया है। 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने फ्राई करना है। और मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है। और मैं आपको ग्रेट करने का तरीका बता रही हूँ कि मैंने कैसे ग्रेट किया है। और इसका मैंने पानी निकाल लिया है। 1 टेबलस्पून पुदीना, 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 कप दही, 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं और 2 अदद मैंने सुर्ख मिर्चें ली हैं। इंग्रेडिएंट्स में जो मैंने आपको सामान बताया था, ये मैंने बादाम, खशाश और जो भुने हुए चने हैं, इनको मैंने ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लेना है। और जब ये पाउडर बन जाएगा तो मैं इसको कीमे में यूज़ करूँगी, और 2 टेबलस्पून मैं इसको इसकी ग्रेवी में यूज़ करूँगी कीमे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे के अंदर मैंने अब सारे मसाले मिक्स करने हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च ऐड की है, और 1 टीस्पून जो सुर्ख मिर्च है वो मैं ग्रेवी में यूज़ करूँगी। इसी तरह लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 2 टेबलस्पून था, अब 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है, और 1 टेबलस्पून मैं ग्रेवी में ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी इसलिए ऐड किया है कि जब आपके कोफ्ते बनेंगे वो बहुत मुलायम बनेंगे। ये मैंने प्याज कटिंग किए थे जो ग्रेट किए थे, उनका पानी मैंने खुश कर लिया है। जो मैंने बादाम, खशाश और चनों का पाउडर बनाया है ना फाइन, इससे आपके कोफ्ते जो हैं वो टूटेंगे भी नहीं और फ्लेवरफुल होंगे। अब मैंने इसमें धनिया पुदीना ऐड किया है, और इसमें मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चें और हरी मिर्चें ऐड की हैं, और कुछ मैंने रख ली हैं एंड पे गार्निशिंग के लिए। अच्छा जी, इसमें 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया, और बाकी जो गरम मसाला है वो मैं एंड पे ऐड करूँगी। और मैंने इसमें 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया ऐड किया है, और 1 टेबलस्पून मैं ग्रेवी में ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और 1 अंडा ऐड किया है। हमारा बाइंडिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होगा। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून तली हुई प्याज ऐड की है, इससे फ्लेवर बहुत ही टेस्टी हो जाता है कोफ्तों का। अच्छा जी, अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इनको 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। कीमे के मिक्सचर को रखे हुए 1 घंटा हो गया है। अब मैंने 1 चम्मच ऑयल का लिया है, जो मैंने अपने हाथों पे लगाना है। ऑयल लगाने से आपके जो कोफ्ते हैं वो बहुत मुलायम और गोल शेप में बनेंगे। आपने अपने कोफ्ते को इसी तरह गोलाई में शेप देनी है, और आप इसे ज़्यादा भी कीमा ले सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा कोफ्ता कितने अच्छे से गोल हुआ है। इसी तरह मैंने अपने सारे कोफ्ते रेडी कर लेने हैं। मैं आपको एक और कोफ्ता बना के दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह उसको गोलाई में शेप दी है, क्योंकि हर बंदे का कोफ्ता बनाने का तरीका अलहदा अलहदा होता है। कि हमारे सारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं, अब इनको मैं फ्रिज में रख दूंगी। उतनी देर में हम अपनी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले अपनी कढ़ाई लेनी है, और इसमें मैंने 1 कप ऑयल का ऐड किया है। जब आपका ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज ऐड करने हैं, और आपने प्याज को तब तक इसको फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। जब तक हमारे प्याज फ्राई होते हैं, मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि मेरी दोस्त गालिया जो रहती है कुवैत में, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, उसने मुझसे खास फरमाइश की थी कि मैं उसके कोफ्तों की रेसिपी लाजमी दूँ। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इनको बाहर निकालने लगी हूँ। अगर आप प्याज़ों को बीच में ही पूरे ग्रेवी में पकाएंगे तो वो बहुत ब्लैक हो जाएंगे। प्याज़ों को ऑयल से निकालने के बाद मैंने उसी ऑयल में लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई करना है। लहसुन अदरक को फ्राई करते हुए मैं 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी, जिनकी क्वांटिटी मैंने आपको 1/2 बताई थी जो मैंने रखी थी। सारे मसाले ऐड करने के बाद मैं इनको 5 मिनट्स तक भूनूँगी। मसाले को भूनने के बाद अब मैंने इसके अंदर 4 टमाटर ऐड करने हैं, जिनको मैंने ग्राइंडर में ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लिया है। अब मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर तली हुई प्याज ऐड करूँगी।
तली हुई प्याज ऐड करने के बाद ये वो मिक्सचर है जो मैंने आपको पहले बादाम खशखाश और चनों का जो मैंने पाउडर बनाया था वो मिक्स किया है मैंने इसके अंदर। अब मैंने इसके अंदर दही मिक्स किया है और मैंने फिर अच्छे से इसको ड्राई करने के बाद भूनना है कम से कम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं हमें भूनते हुए। अब हमने इसके अंदर 1 गिलास पानी का ऐड करना है ताकि जो इसके अंदर जो प्याज है तली हुई वो भी अच्छे से गल जाएगी और हमारा मिक्सर जो है ना वो यकजान हो जाएगा। अब हमने इसको कवर करके रख देना है मीडियम हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। अभी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैंने कवर उठाया है चेक करने के लिए और माशाल्लाह से देखें मेरे जो प्याज हैं तले हुए वो बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इनको मज़ीद 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनूंगी। देखें ग्रेवी हमारी अच्छे से भुन गई है और इसका मसाला बहुत ज़बरदस्त बना है। अब मैं इसके अंदर 2 कप पानी के ऐड करूँगी। 2 कप पानी के ऐड करके मैं इसे मीडियम हाई फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए रख दूँगी कवर करके। हमारे शोरबे को पकते हुए 5 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर कोफ्ते ऐड करूँगी। अच्छा कोफ्तों को जब आपने इसके अंदर डालना है ना तो आपने इनको हलाना नहीं है और 10 मिनट तक तो आपने इनको टच भी नहीं करना। हाँ अगर हलाना है तो आपने इनकी जैसे कि ये हैंडल्स होते हैं हंडिया हो गई कढ़ाई हो गई तो आपने इनको ऐसे पकड़ के हल्का सा हलाना है ठीक है। अब ये मेरे कोफ्ते सेट हो गए हैं। अब मैं इसको 10 मिनट तक पकाऊँगी फिर हम इसको चेक करते हैं 10 मिनट तक। 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम अपने कोफ्तों को चेक करते हैं। अब आप इनको जैसे मर्ज़ी हला सकते हैं। अच्छा आप कोफ्तों को फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप इस तरह बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब मैं इन्हें फिर से 10 मिनट्स के लिए मीडियम लो फ्लेम पे रखूँगी। 10 मिनट्स हो गए हैं हमारे कोफ्ते डन हो गए हैं। अगर आपने इनकी ग्रेवी रखनी है तो इसी तरह ठीक है। अगर आपने शोरबा थोड़ा और ज़्यादा करना है तो इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी एंड पे मैं इस पर गर्म मसाला ऐड करूँगी और गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर धनिया और रेड चिली ऐड करूँगी। अब मैं आपको बीफ कोफ्ते डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैं आपको बीफ कोफ्ता तोड़ के दिखाती हूँ और ये देखें कितना सॉफ्ट बना है। ये देखें मेरे बीफ कोफ्तों की फाइनल लुक। दुआओं में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।